बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। प्रियंका ने चली नई चाल, जिसके बारे में सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रियंका ऐसी हरकतें कर सकती है। प्रियंका ने खुद को बता दिया अनुराग की मंगेतर। जी हाँ, आपको बता दें कि जब नोएना यहाँ पर पहुंची थी पूजो में और देखती है अनुराग और काजोल को साथ, तो यहाँ पर काजोल को काफी उल्टा सीधा बोलती नजर आती है अनुराग से, तो वहीं पर अनुराग और उसके रिश्ते पर बहुत ही छींटा कसी करती है और अनुराग को भी काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुनाती है, जिसके बाद अनुराग जो है उसको उसकी औकात दिखाता नजर आता है। वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि बस अब एक शब्द भी काजोल के खिलाफ नहीं बोलना, और यहाँ पर उसे मना करता है कि वो काजोल से उसे बिल्कुल भी नहीं मिलने देगा इस पूजो में, क्योंकि पूजो में वो काम कर रही है। और इधर ये सारा तमाशा जो है वो देख रही होती है प्रियंका, और प्रियंका सोचती है कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर प्रियंका की दोस्त भी होती है और कहती है कि आखिर ये काजोल है कौन जिसके प्यार में इस तरीके से गिरफ्तार हो चुका है, और साथ ही साथ वो कहती है कि तुम किसी भी तरीके से अनुराग को अपने वश में करो वरना तो वो उड़ा कर ले जाएगी, यानी कि काजोल उड़ा कर ले जाएगी अनुराग को, तुमसे छीन कर ले जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता और बेहद परेशान नजर आती है प्रियंका। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान नजर आती है। इसके बाद यहाँ पर देखती है कि अनुराग जो है वो किसी लड़की से बहुत ज़्यादा बहस कर रहा है, और वो थी नोएना। नोएना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहस करती नजर आती है और कहती है कि आपके साथ क्या रिश्ता है काजोल दी का, और फिर इसके बाद बहुत अच्छी तरह से वो उसको समझाता है, और इसके बाद यहाँ से बोलकर वो निकल जाता है कि तभी आ जाती है प्रियंका नोएना के पास और कहती है कि क्या हुआ, आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे थे। जिसके बाद जो नोएना होती है वो प्रियंका से पूछती है आप कौन है अनुराग की, जिसके बाद प्रियंका कहती है कि मैं अनुराग की मंगेतर हूँ। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है नोएना और कहती है कि समझ नहीं आता कि अगर आप उनकी मंगेतर हो तो आप कैसे देख पा रही हो अनुराग को काजोल दी के साथ। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है प्रियंका। तो इस तरीके से अब प्रियंका की चालें जो है वो सामने आ रही हैं। जब आपने पहली बार प्रियंका को देखा होगा तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी करने वाली है प्रियंका, क्योंकि शुरुआत में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कहती नजर आती थी, लेकिन अब देख लीजिए उसकी चालें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अब क्या कहेगा इस पर अनुराग, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।